हेलो गाइस, कैसे हो सब के सब। आ चुका हूँ भाई नई वीडियो लेके, और ये वाली वीडियो जो है ये है चेन्नई की तरफ। तो वनक्कम चेन्नई के वासियो, कैसे हो। मुझे तमिल तो ज़्यादा आते नहीं, लेकिन मेरा वनक्कम नमस्कारम सब कुछ एक्सेप्ट करो और इस वीडियो को एंजॉय करो। तो गाइस, बेसिकली आज की जो ट्रेन है ना गाइस, वो है कावेरी एक्सप्रेस। चेन्नई की फेमस ट्रेन है जो कि मैसूरु जंक्शन से 9 बजे निकलती है रात के, और सुबह चेन्नई में पहुंचाती है 6:45 पे। इसके 20 इंटरमीडिएट स्टेशन हैं, और हम अभी अरनकुनम के आउटर पे, मतलब 8 किलोमीटर दूर हैं अरनकुनम के, और हमारी जो ट्रेन है वो 3 घंटा लेट है अपने शेड्यूल टाइम से। तो गाइज, अरनकुनम से चेन्नई तक की जर्नी को इन्जॉय करेंगे। ये वाली पूरी वीडियो होगी अरनकुनम से चेन्नई तक। तो गाइज बने रहिए, और अगर अभी नए हो ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि हाँ भाई यू गॉट अ सब्सक्राइब। चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, चेन्नई के बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं। अगर आप लोग चेन्नई के हो और आप लोगों को हिंदी आती है ना, तो भाई आप बेस्ट हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को चेन्नई में हिंदी नहीं आती है। मतलब आती है, मुझे पता है। मेरे एक यूट्यूब मेम्बर है जिनका नाम भरत है, वो उनको हिंदी आती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को चेन्नई में हिंदी नहीं आती है। और मुझे लगता नहीं कि मेरी जो वीडियो है वो ज़्यादातर लोगों को समझ आने वाली है वहाँ के लोगों को, क्योंकि मैं हिंदी में कमेंट्री कर रहा हूँ और वो लोग चेन्नई के हैं। तो अगर आप लोग चेन्नई के हों और आप लोग मेरी हिंदी को समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट में हाय हेलो करना, ताकि मैं जान सकूँ कि हाँ भाई चेन्नई से भी लोग देख रहे हैं मुझे और इन्जॉय कर रहे हैं मेरी वीडियो को। तो गाइज, इस शानदार ट्रैक साउंड के साथ हम लोग चित्तेरी क्रॉस कर रहे हैं 8:11 पे। जैसा कि मैंने पहले बताया गाइज, हमारी ट्रेन 3 घंटा लेट है भाई, और ये इंडियन रेलवे में होता रहता है। ट्रेन लेट होना आम बात है भाई इंडियन रेलवे में, वो भी 3-4 घंटे, तो फिर भी नॉर्मल। 11-11, 12-12 घंटे लेट होती है ट्रेन। तो गाइज, वेब 7 के बारे में तो मैं बताना भूल ही गया। ये है ईरोड का वेब 7, जो कि पूर्णा के एडवर्टीजमेंट के साथ भरा हुआ है। कोई चिकन की कंपनी है शायद, मुझे तो नहीं पता। पूर्णा कोई कंपनी, मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब नॉर्थ साइड, मतलब जहाँ पे दिल्ली में मैं रहता हूँ, वहाँ तो ये पूर्णा नहीं है भाई, ठीक है। और इसी के साथ ही एल्को ट्रेन आ रही होती है पार्सल वैगन्स को लेके, और जा रही होती है अरनकुनम से अपने डेस्टिनेशन की तरफ, और हमको क्रॉस कर रही होती है, और हम लोग जा रहे होते हैं अरनकुनम की तरफ, जो कि हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। तो गाइस, पार्सल ट्रेन क्रॉस होने के बाद हमें एक और ट्रेन क्रॉस कर रही होती है ठीक पार्सल ट्रेन के बाद ही, जिसका ट्रेन नंबर होता है 12691, चेन्नई सेंट्रल से श्री सत्या साई पारसनाथी नीलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस हमको क्रॉस कर रही होती है। भाई इसका इतना लंबा नाम है ना भाई, मुझे तो पढ़ने में भी इतना टाइम लग गया। खैर, वो ट्रेन हमें क्रॉस कर रही होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो गाइस, देखते ही देखते हम लोग अरनकुनम के आउटर पे पहुंच चुके हैं। आगे जाके हमारा ट्रैक चेंज है, जिसके लिए हमें स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, ताकि हमारा ट्रैक चेंज स्मूथली हो सके और हम लोग अराइव कर सके अरनकुनम के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और 3 घंटे की देरी से हम लोग अराइव करेंगे, तो भाई वहाँ के पैसेंजर तो भाई आँख से बुलबुला गए होंगे, या फिर जिनको उतरना रहा होगा वो लोग तो भाई गुस्से में होंगे कि भाई 3 घंटा लेट कौन लेके आता है। खैर, हम अराइव करते हैं भाई, वरना ज़्यादा बात करेंगे तो भाई और गुस्सा आ जाएंगे लोग। अरे 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 अरे, एक सवाल करना तो मैं भूल ही गया। जब तक ये ट्रेन पहुंच रही है अरनकुनम, उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आप लोगों से, कि किसी ने भी कावेरी एक्सप्रेस में जर्नी करी है, मतलब मैसूरू से चेन्नई तक, या फिर चेन्नई से मैसूरू जंक्शन तक, किसने भी करी है। मतलब अगर किसने करी हो तो उसको तो भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा होगा ये ट्रेन देख के, क्योंकि उसको पता है कि ये ट्रेन कैसे कैसे चलती है और कहां कहां से होते हुए जाती है। तो कमेंट में ज़रूर बताना इसके बारे में। तो गाइस, धीरे धीरे करके हमने अपना ट्रैक चेंज कर लिया है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 की लाइन पकड़ ली है हमने अपने ट्रैक की, ताकि हम लोग अराइव कर सके प्लेटफॉर्म नंबर 3 के अरनकुनम स्टेशन के। और ये क्या सुन रहा हूँ मैं, प्लेटफॉर्म से पहले ही स्टेशन अनाउंसमेंट आ रही है, ऐसा क्यों? क्या गाइस ये सच में ऐसा होता है, या फिर ये रूट में ऐसा कुछ हो रखा है?
लेकिन हमें क्या भाई, अनाउंसमेंट की आवाज़ सुन के तो भाई अच्छा ही लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई स्टेशन तो आ गए हैं भाई, अपना अपना सा लगता है कि हाँ भाई आसपास कोई है, स्टेशन की आवाज़ आ रही है, मज़ा आता है। तो गाइस स्टेशन में मैं अराइव कर रहा होता हूँ, इतने में आगे से मेरे को एक ट्रेन आते हुए दिखती है जो कि होती है 11018 कराईकल मुंबई LTT वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, नहीं वीकली एक्सप्रेस जो कि हमें क्रॉस कर रही होती है। भाई ये नाम कैसे कैसे होते हैं यार, माफ़ करना अगर मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, कराईकल। तो गाइस इस ट्रेन को क्रॉस होते हुए देखते हैं, क्योंकि भाई ऐसे क्रॉस होते हुए ट्रेन को देखने में मज़ा बहुत आता है। तो गाइस अब यहाँ से मुझे दिख जाता है प्लेटफॉर्म, और हम लोग अब इस ट्रेन को अराइव होने देंगे, और अराइव होने के बाद ही कुछ बातें करेंगे भाई, क्योंकि इस ट्रेन को अराइव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 घंटा लेट है। तो गाइस मिलते हैं अराइव होने के बाद। ओहो तो गाइस इस ट्रेन ने कम से कम 3 मिनट लिए होंगे अराइव करने में, क्योंकि भाई बहुत स्लो स्लो अराइव कर रहा था मैं इस ट्रेन से। तो आगे से गाइस एक और ट्रेन अराइव कर रही होती है अर्नाकुलम में साइड वाले प्लेटफॉर्म में, जिसका ट्रेन नंबर होता है 13351 धनबाद अल्पुज़ा एक्सप्रेस। ये कैसा नाम है भाई अल्पुज़ा। खैर अल्पुज़ा एक्सप्रेस हमें अराइव कर रही होती है, और साइड में एक ट्रेन पहले से ही खड़ी होती है जिसका ट्रेन नंबर होता है 22652 पालकड़ जंक्शन MGR चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वो भी पहले से रुकी होती है और शायद अपने सिग्नल का वेट कर रही होती है। और भाई यहाँ पे आ गए तो भाई लोकल्स भी दिखना शुरू हो चुकी हैं, जो कि चेन्नई और अर्नाकुलम को जोड़ती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। भाई इतना रोज़ शह। और गाइस ये क्या हुआ, मेरे आते ही गाइस 22652 पालकड़ जंक्शन MGR चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस को मिल चुका है सिग्नल, और वो यहाँ से हॉर्न दे के निकल जाती है चेन्नई की तरफ, और अपनी ट्रेन को यहाँ पे रुकना पड़ता है क्योंकि अपनी ट्रेन तो लेट है। तो भाई अपनी ट्रेन को रोक के इन दोनों ट्रेन को देखते हैं, एक ट्रेन को जाते हुए एक ट्रेन को आते हुए, और अपने सिग्नल का इंतज़ार करते हैं तब तक। ठीक गाइस Yeah.
तो गाइस पालगढ़ चेन्नई एक्सप्रेस तो निकल चुकी है चेन्नई की तरफ और मैं अपनी सिग्नल का वेट कर रहा हूँ। और मुझे ये भी होता है कि ये जो धनबाद वाली ट्रेन है जो कि रुकी पड़ी है अर्नाकुलम में, ये भी सेम टाइम में अराइव हुई है और मेरी ट्रेन भी सेम टाइम पर अराइव हुई है। अब इन दोनों में से किसको सिग्नल मिलता है पहले, चलिए देखते हैं। तो लो गाइस जिसकी बात हो रही थी वो तो हो चुका है भाई, धनबाद अलपुजा एक्सप्रेस को मिल चुका है सिग्नल और वो यहाँ से डिपार्ट कर रही है हमसे पहले। तो भाई इसको अब डिपार्ट करते हुए देखते हैं, और कोई चारा तो है नहीं हमारे पास क्योंकि हमारा सिग्नल तो अभी भी रेड है। फाइनली गाइस अलपुजा धनबाद एक्सप्रेस जो होती है वो तो यहाँ से डिपार्ट कर जाती है और उसी के ठीक बाद ठीक 10 या 15 सेकंड बाद अपने ट्रेन को भी सिग्नल मिल जाता है यहाँ से डिपार्ट होने का। तो जैसे ही सिग्नल मिलता है भाई मैं तो एक्सेलरेशन दे के भाई अपनी ट्रेन को डिपार्ट करने में लग जाता हूँ क्योंकि अपनी ट्रेन वैसे ही लेट है और मैं इस ट्रेन को और लेट नहीं करवाना चाहता। तो गाइस मैं यहाँ पे लंबा सा हॉर्न मार के बता देता हूँ कि अपनी ट्रेन यहाँ से होने वाली है डिपार्ट और हम जा रहे हैं अब नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। तो स्टेशन मास्टर्स को पता चल जाता है कि भाई ये वाली ट्रेन निकलने वाली है और बाकी पैसेंजर्स को भी। तो गाइस अब यहाँ से एक्सीलरेट करके ट्रैक चेंज करके हम चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ। Thank you.
तो गाइस अर्नाकोनम से डिपार्ट लेने के बाद बहुत धीमे धीरे रफ्तार में ट्रैक चेंज करने के बाद ना गाइस, जब मैंने ट्रैक चेंज कर लिया और 110 वाली लाइन में आ गया ना, तो भाई आगे इंतज़ार करते हुए मैंने ट्रेन देखी जिसका ट्रेन नंबर है 15228 मुजफ्फरपुर SMBT बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि चेन्नई से आ रही है और जा रही है मुजफ्फरपुर या फिर बेंगलोर, पता नहीं गाइस। इस ट्रेन के बारे में ज़्यादा पता नहीं और ये अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि इसके ट्रैक पे हमारे जो पीछे कोचेस हैं वो हैं। जैसे ही हमारे कोचेस इस लाइन में आ जाएंगे तो इसको भी सिग्नल मिल जाएगा। तो गाइस क्रॉस करते हैं इसको और आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाई ये जो फीलिंग है ना, जो एकदम साइड से ट्रेन जाती है एकदम सामने वाली या साइड वाली ट्रैक से, भाई अलग ही मज़ा आता है उसको फील करने में, क्योंकि ट्रैक साउंड आता है और वहाँ के लोग भी दिखते हैं आपको और वो ट्रेन बहुत क्लोज होती है, तो उस ट्रेन की क्रॉसिंग का अलग ही फील होता है और ख़ासकर इस वाली स्पीड में। तो गाइस ये वाली ट्रेन की क्रॉसिंग के बाद और ये स्टेशन क्रॉस करने के बाद मैं अपनी स्पीड लिमिट एकदम से 110 कर लेता हूँ, क्योंकि स्पीड लिमिट और एकदम सिग्नल ग्रीन हो जाते हैं हमारे लिए। तो अब हमारे पास मौका होता है कैचअप करने का और जल्दी से हम अपनी थ्रॉटल देके अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे अपनी ट्रेन ने पकड़ लिया स्पीड, 110 की रफ्तार में चल रही है नॉन स्टॉप। अब जाएगी एकदम त्रिवलूर में रुकेगी जाके, ये 22 किलोमीटर है उसके लिए और साथ के साथ चेन्नई बीच अर्नाकुलम EMU हमें क्रॉस कर रही होती है। भाई वो EMU की लेन है तो वहाँ पे EMU आती जाती रहेगी और अपनी स्पीड को एकदम 110 में सर्राती रफ्तारों की तरह भगाना है बस। और गाइस थोड़ी सी आगे जाने के बाद हमको मिलती है MGR चेन्नई कोयम्बतूर शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि कोयम्बतूर की तरफ जा रही होती है और शानदार क्रॉसिंग करती है गाइस ये Web 7 के साथ, मज़ा आ जाता है। तो गाइस ये रेल फैन व्यू वाला किस किस को पसंद है? मतलब मुझे तो पर्सनली पसंद है क्योंकि इसमें पूरी ट्रेन देखने को मिलती है, Web 7 लोकोमोटिव देखने को मिलता है और हॉर्न तो भाई एकदम चार चांद लगा देता है इस रेल फैन व्यू में। तो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना। और गाइस चेन्नई की बारहवीं डॉल जाते हुए चेन्नई की EMU, उसको बारहवीं डॉल इसलिए कह रहा हूँ कि उसका पिंक कलर है ना, इसलिए। तो गाइस बहुत सी बार भी डॉल मतलब EMU की क्रॉसिंग्स के बाद और बहुत से इंटरमीडिएट स्टेशन के क्रॉस करने के बाद, बहुत से नहीं एक दो थे, उसके बाद हमें एक डबल डेकर मिलती है जो कि हमें क्रॉस करनी होती है। और ये तो मैं बताऊंगा नहीं कि कौन सी डबल डेकर है, ये आपका काम है कि इस समय पर चेन्नई की तरफ कौन सी डबल डेकर चलती है। तो गाइस एक और चेन्नई बीच अर्नाकुलम EMU क्रॉस करते हुए हमें,
तो भाई कम से कम 3 या 4 किलोमीटर की डायरेक्ट रन के बाद हम पहुँचते हैं कदम बतूर, और यहाँ पे हमें एक ग्रीन कलर की EMU दिखती है जो कि अब कम हो गई है, और एक और बारबी डॉल वाली EMU, और ठीक उसी के बाद एक क्रॉसिंग आती है गाइस। चलिए देखते हैं गाइस कौन सी क्रॉसिंग आती है, पहले इस स्टेशन को क्रॉस करते हैं। और हाँ जी हाँ, यहाँ पे हमारी मुलाकात होती है क्रॉसिंग से जिसका ट्रेन नंबर होता है 12688, और ये होती है चंडीगढ़ मदुराई सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि हमें क्रॉस कर रही होती है कदम बतूर से और जा रही होती है अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो भाई इसको क्रॉस करते हैं, वेब 4 है इसमें और उत्कृष्ट की लिवरी है, मतलब ICF कोचेज हैं। ICF ज़्यादा चलते हैं चेन्नई में यार, भाई ICF का ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन ICF में ट्रैवल करना कैसा रहता है और ICF का खाना जो होता है वो कैसा रहता है, मतलब पेंट्री कार की सर्विस कैसी होती है ICF ट्रेन में। तो गाइज एक और इंटरमीडिएट स्टेशन क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं त्रिवलूर अपने सेकंड स्टॉप पे। अर्नाकुलम के बाद दूसरा स्टॉप होता है ये जहाँ पे हमें रुकना होता है, और वहाँ से एक फ्रेट ट्रेन क्रॉस कर रही होती है। यार फ्रेट ट्रेन ज़्यादा चेन्नई में चलती नहीं क्या, मतलब अभी तक का 20 मिनट का हमारा जर्नी हो चुका है वीडियो में, और अभी तक एक ही फ्रेट दिखी है मुझे अभी तक, वो भी यहाँ पे। चेन्नई में फ्रेट कम होती है क्या? चलो भाई फ्रेट की क्रॉसिंग तो हो गई, भाई फ्रेट को छोड़ो, और यहाँ पे एक बारबी डॉल तो आ ही रही होती है चेन्नई बीच अर्नाकुलम EMU, भाई ये तो चलती रहेगी क्योंकि वो EMU का ट्रैक है। और यहाँ पे मैं प्यारा सा हॉर्न दे के अराइव कर रहा होता हूँ त्रिवलूर में, और 3 घंटा लेट है तो भाई हॉर्न दे के भी क्या फ़ायदा, भाई लोगों को गुस्सा तो आ ही रहा होगा। खैर छोड़ो, एंट्री करते हैं क्योंकि अराइव करना तो इम्पॉर्टेंट है। इस स्टेशन का प्रोनाउंसिएशन तो सही कराना मैंने, त्रिवलूर है या फिर त्रिवलूर है गाइस कमेंट में ज़रूर बताना हिंदी में लिख के, त्रिवलूर या त्रिवलूर। तो भाई ये वाला हॉर्न देने के बाद मैं अपने ब्रेक्स कर देता हूँ अप्लाई, और यहाँ पे शायद हमारा 3 मिनट का स्टॉप होता है, तो यहाँ पे हमको रुकना होता है 3 मिनट, उसके बाद यहाँ से हम डिपार्चर लेंगे अपने सिग्नल के बाद। तो गाइस 1 मिनट के बाद, शायद 1 या 2 मिनट के बाद हमारे सिग्नल का मैं वेट कर रहा था, उसी के दौरान 16087 अर्नाकुलम सलेम एक्सप्रेस हमें क्रॉस कर रही होती है, और इसका लोकोमोटिव होता है वैगनाइन। आई गेस ये कोई स्पेशल ट्रेन है जो क्रॉस कर रही है, और वैगनाइन है तो इसलिए मैंने बोला ये स्पेशल ट्रेन है क्योंकि वैगनाइन ज़्यादातर लगता नहीं एक्सप्रेस ट्रेन उसमें। वाह भाई बड़ी अच्छी स्पीड में इसने क्रॉस करा है भाई, मतलब हमारी ट्रेन को तो इतनी स्पीड लिमिट मिलती ही नहीं है क्रॉसिंग में जितनी इसको मिली है, लाजवाब। तो गाइस EMU एंट्री कर रही होती है, उसी के दौरान हमको सिग्नल मिल जाता है ठीक 3 मिनट बाद। अब मैं यहाँ से डिपार्ट करूँगा और जल्दी से अपने नेक्स्ट स्टेशन की तरफ बढ़ूंगा जिसका नाम है पेरम्बूर, और जो यहाँ से 36 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भाई जल्दी पहुँचना है मुझे, तो जल्दी से टोटल देखें और जल्दी से स्पीड बढ़ा के पहुँचते हैं अपने दूसरे स्टेशन की तरफ। भाई आप ये साउंड सुन रहे हो, जो AC की साउंड होती है ना वो आ रही है क्योंकि AC के कोचेस साइड से जा रहे हैं हमारे, तो उस AC के कोचेस का साउंड है ये। तो भाई एकदम रियलिस्टिक फील देने की कोशिश करी है मैंने, तो भाई मज़े लो इस वीडियो के। Come on.
तो गाइस वहाँ से डिपार्ट लेने के बाद जब हमने अपनी स्पीड लिमिट बढ़ा ली और क्रॉस करने लगे हम लोग इंटरमीडिएट स्टेशन को, तो यहाँ पे एक LHB पार्सल ट्रेन हमें क्रॉस करती है। भाई LHB पार्सल ट्रेन तो भाई मज़ेदार लगता है भाई मुझे, जैसे कि आप खुद स्क्रीन देख सकते हो, मतलब क्यूट सा लगता है। तो भाई हमने LHB पार्सल ट्रेन को फुलतूर पे क्रॉस करा, फुलतूर ही था ना वो, फुलतूर जो भी है गाइस समझ जाओ। तो गाइस सेवापेट रोड के बाद ना, मतलब शायद सेवापेट रोड ही था, उसके ठीक बाद हमको 12510 गुवाहाटी SMBT बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस क्रॉस करती है, और ये भी वेफर और ICF कोचेस होता है भाई, और ठीक सेवापेट रोड को क्रॉस करने के बाद ही ये हमें क्रॉसिंग मिलती है। और गाइस उसके बाद जब हमने वो वाली क्रॉसिंग करी SMBT बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस की, उसके ठीक बाद हमने एक या दो इंटरमीडिएट स्टेशन क्रॉस करे, एंड ठीक उसी के बाद हमको 12675 कोवई सुपरफास्ट एक्सप्रेस मिलती है, जो कि LHB होती है और वेफ 7 के साथ हमको क्रॉस कर रही होती है। तो भाई इस क्रॉसिंग के भी मज़े लेते हैं। भाई उस क्रॉसिंग के बाद हम एक इंटरमीडिएट स्टेशन क्रॉस करते हैं, वहाँ पे EMU क्रॉसिंग्स होती है हमारी, एंड देन हम मुलाकात करते हैं हिंदू कॉलेज स्टेशन पे एक और ट्रेन से, जिसका ट्रेन नंबर होता है 12639 वृंदावन एक्सप्रेस, जो कि हिंदू कॉलेज पे हमको क्रॉस कर रही होती है, और हम जा रहे होते हैं पेरमपुर, जो कि 19 किलोमीटर दूर होता है। कितना क्यूटली हॉर्न मार के क्रॉस कराना गाइस। पता है गाइस एक और चीज़, अगर हमारी ट्रेन 3 घंटा लेट ना होती, अगर 1 घंटा ही लेट होती ना, तो हमारी मुलाकात अभी यहाँ पर वंदे भारत से हो रही होती, लेकिन क्या करें 3 घंटा लेट है, हमने मिस कर दिया। और गाइस जिसका सभी को इंतज़ार था कि भाई इंडियन रेलवे की ट्रेन लेट हो और उसको लूप लाइन में ना डाला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितनी ट्रेन लेट उसको और लेट करवाते हैं, और हमको अवड़ी पे लूप लाइन में डाला गया है, जहाँ पे हमारा स्टॉप है नहीं, लेकिन हमको लूप लाइन में डाल के हमको रेड सिग्नल दे दिया गया है। तो भाई अब आगे क्या होने वाला है वो देखते हैं। भाई मैं तो समझ गया हूँ, आप लोग भी शायद समझ चुके होंगे कि अब क्या होने वाला है। खैर आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस, अभी तो अब ट्रेन को रोकनी पड़ेगी, ट्रेन को स्लो करनी पड़ेगी, और यहाँ पे हमको रुकना पड़ेगा जब तक हमको सिग्नल नहीं मिलता है।
तो भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे लाइन पे जो सिग्नल है वो रेड है और मेरे साइड वाले जो लेन है उसका सिग्नल ग्रीन है। तो भाई ओवरटेक होने वाला है। अब देखते हैं गाइस कौन सी ट्रेन हमको यहाँ पे ओवरटेक करती है। भाई ओवरटेक ने तो ज़िंदगी ख़राब कर रखी है भाई मेरी, तो हर जगह ओवरटेक भाई। लो भाई पहला ओवरटेक तो ईएमयू नहीं कर दिया भाई, जिंदगी खराब है भाई बहुत ज़्यादा यार। ईएमयू ओवरटेक करके जा रही है शाह। भाई लेकिन एक मिनट एक मिनट, वो ईएमयू की लाइन है भाई, उसको ओवरटेक नहीं करूँगा मैं, मतलब ओवरटेक नहीं मानूंगा मैं उसको। ना 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 ना, ना ओवरटेक नहीं है वो गाइस। खैर इसके बाद छोड़ो, आगे से एक और फ्रेट ट्रेन आ रही है भाई। ये डबल वैग 7 तो है और साथ के साथ ये लेके जा रही है स्टील शीट्स को। भाई यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह है शायद स्टील्स की। और लो भाई फाइनली ओवरटेक आ चुका है, जिसका ट्रेन नंबर है 12672 नीलगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि हमको अवड़ी पे ओवरटेक कर रही है। भाई साहब नीलगिरी के लिए हमारी ट्रेन को रोक दिया गया है, नो इज्जत। तो भाई मैं इंतज़ार कर रहा होता हूँ अपने सिग्नल का, इतने में एक और आगे से क्रॉसिंग आ जाती है जिसका नंबर होता है 22642 शालीमार थिरुवनंतपुरम सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि हमको क्रॉस कर रही होती है लालागुड़ा के वेब 7 के साथ। और इतने में एक और चीज़ नोटिस करता हूँ कि मेन लाइन का सिग्नल होता है ग्रीन, मतलब एक और ओवरटेक आने वाली है। तो गाइस ये रही वो ट्रेन जो हमको यहाँ पे ओवरटेक करने वाली है। यहाँ पे दूसरी ट्रेन है जो हमको ओवरटेक करने वाली है, जिसका ट्रेन नंबर है 12602 मंगलुरु सेंट्रल MGR चेन्नई सेंट्रल मेल, जो कि हमको अवड़ी पे ओवरटेक कर रही है और जा रही है चेन्नई की तरफ। बुरा ही लगता है भाई जब ओवरटेक खाते हैं 3 घंटा लेट, ऊपर से और ओवरटेक, बुरा ही लगता है भाई, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन और कोई चारा है नहीं हमारे पास, कोई नहीं सह लेंगे भाई। तो गाइस यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तो अपने सिग्नल का। यहाँ पे एक ईएमयू जा रही होती है और एक क्रॉसिंग आ रही होती है डबल एल्को के साथ, जो कि होती है ICF की पार्सल ट्रेन। तो गाइस इसी के बाद ही हमको ठीक सिग्नल मिल जाता है और यहाँ से मैं एक्सेलरेट करके जाता हूँ पेरम्बलूर की तरफ, और वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर होता है। तो भाई जल्दी से चलते हैं और अपने पैसेंजर्स को जल्दी जल्दी उनके डेस्टिनेशन में पहुँचा देते हैं।
तो गाइस अवरी क्रॉस करने के बाद, अवरी से डिपार्ट करने के बाद हम लोग क्रॉस करते हैं एक दो इंटरमीडिएट स्टेशन एंड देन हम पहुंचते हैं अन्नानूर। वहां से हम क्रॉस कर ही रहे होते हैं कि आगे से एक क्रॉसिंग आ जाती है और वो ट्रेन होती है चेन्नई सेंट्रल KSR बेंगलुरु स्पेशल फेयर। जी हाँ, स्पेशल फेयर ट्रेन होती है, तो ऑब्वियसली वैगनाइन लगा पड़ा है इसमें एंड ICF के रेक्स हैं जो कि हमें क्रॉस कर रही होती है अन्नानूर के स्टेशन के बाद। तो गाइस एक दो इंटरमीडिएट स्टेशन क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं पत्ता रवक्कम। वहाँ पे एक और क्रॉसिंग मिलती है हमें और वो ट्रेन होती है 22670 पटना एर्नाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो की जाती है वाया नागपुर। और ये ICF नहीं होती, ये होती है Web7 के साथ LHB और ये हमको क्रॉस कर रही होती है हमारे क्या था स्टेशन का नाम भूल गया मैं, जो भी होती है समझ जाओ गाइस, मेरी तमिल बहुत बेकार है गाइस और मुझसे प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल नहीं होती। तो भाई कोरातोर इंटरमीडिएट स्टेशन क्रॉस करने के बाद हमारी मुलाकात होती है 12295 संगमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ये भी हमें क्रॉस कर रही होती है कोरातोर के स्टेशन के ठीक पहले होती है ये गाइस क्रॉसिंग, तो इसको क्रॉस होने देते हैं। और हम लोग पहुंचने वाले हैं पेरम्बूर जो कि 4 किलोमीटर दूर है, तो गाइस इस क्रॉसिंग के बाद हमको ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे और अपनी ट्रेन को रोकना पड़ेगा पेरम्बूर में। तो गाइस पेरम्बूर आ चुका है और यहाँ पे मैं अपने ब्रेक अप्लाई कर दूंगा क्योंकि हमें यहाँ पे रुकना है। यहाँ पे हमारा ऑफिशियल हॉल्ट है पेरम्बूर में 2 मिनट का और 2 मिनट के बाद यहाँ से हमको शायद सिग्नल मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए ताकि हम लोग चेन्नई जा सके। और यहाँ पे हमें वैगनाइन क्रॉस कर रही है LHB पार्सल ट्रेन के साथ, तो गाइस क्रॉसिंग भी हो रही है और अराइवल भी, मज़ेदार तो है। भाई जो जो चेन्नई पेरम्बूर या आसपास के एरिया से देख रहा है ना, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत शानदार जर्नी हो रही है भाई ये वाली। और आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो, मैं नहीं जानता भाई, ठोक दो उस बटन को, फोड़ दो, लेकिन सब्सक्राइब करो, डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। तो गाइस करीब 4 मिनट बाद हमको यहाँ से सिग्नल मिलता है, हम यहाँ पर अराइव करते हैं 9:32 पे और हमारा को सिग्नल मिलता है 9:36 में। मतलब मान लो कम से कम 4 मिनट का हमारा यहाँ पे स्टॉप होता है और हम यहाँ से डिपार्ट कर देते हैं चेन्नई की तरफ। और चेन्नई यहाँ से शायद बहुत ही कम दूरी पर है, मतलब जल्दी ही पहुँचने वाले हम लोग चेन्नई। तो भाई जैसे ही सिग्नल मिलता है मैं तो थ्रॉटल देके भाई अपने ट्रेन को दे देता हूँ स्पीड, लेकिन स्पीड लिमिट आगे जाके 20 या 25 होने वाली है क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर बाद ही चेन्नई सेंट्रल है जहाँ पे हमारा स्टॉप है, तो भाई स्पीड लिमिट तो अब मिलने नहीं वाली। तो चलिए गाइस धीरे धीरे करके हम चेन्नई पहुँचते हैं और देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है चेन्नई में। Bye.
तो भाई पेरम्बूर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात होती है चेन्नई एगमोर एर्नाकुलम स्पेशल फेयर से। भाई इसमें वैगनर नहीं लगा इस बार, इसमें वेब सेवन ही लगा है और ICF के कोचिज हैं। तो भाई ये क्रॉस कर रही होती है और जा रही होती है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। भाई मेरे को तो चेन्नई पहुँचना है भाई, अब मैं लेट हो चुका हूँ, मुझे तो पहुँचाना है अपनी ट्रेन को जल्द से जल्द। तो भाई इसको क्रॉस होता हुआ देखते हैं और अपना आगे जाके ट्रैक चेंज है और अपने को ट्रैक चेंज भी करना है, तो धीरे कर लेते हैं ट्रेन को और सब कुछ होने देते हैं जैसा कि हो रहा है। तो भाई ट्रैक चेंज होने के बाद हमको देखने को मिलता है एक ओपी नज़ारा जो कि होता है कर्व का। भाई कर्व के मज़े लो भाई आप लोग, मज़ा आ जाएगा इस कर्व को देख के और ट्रैक साउंड सुन के भाई, शीश। तो गाइज ठीक इसी कर्व के साथ चलते चलते हम लोग पहुंच जाते हैं बेसिन ब्रिज, आप देख ही रहेंगे ब्रिज ऊपर। और बेसिन ब्रिज के स्टेशन पे हमको मिल जाता है रेड सिग्नल ऑब्वियसली, क्योंकि इसके बाद है चेन्नई सेंट्रल, तो उससे पहले हमको रोका जा रहा है, शायद कोई ट्रेन आ रही होगी या फिर स्टेशन में घुस रही होगी। तो भाई यहाँ पे तो मेरे को ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे है रेड सिग्नल। तो गाइज़ यहाँ पे मैं ब्रेक्स को अप्लाई करूँगा एंड रुकते हैं रेड सिग्नल में एंड वेट करते हैं कि आगे चल के क्या होता है, कब हमें सिग्नल मिलता है और कौन कौन सी ट्रेन हमको क्रॉस या फिर आगे जाके हमको कौन सी ट्रेन देखने को मिलती है। तो मैं बात कर ही रहा था कि इतने में 22649 यरकाउड सुपरफास्ट एक्सप्रेस वेब 4 के साथ हमको क्रॉस करनी होती है बेसिन ब्रिज पे। भाई साहब आते ही क्रॉसिंग। तो गाइस थोड़ी देर बाद कुछ EMU वगैरह क्रॉस करने के बाद हमको सिग्नल मिल जाता है एंड देन हम यहाँ से डिपार्ट करते हैं चेन्नई की तरफ। तो गाइस चलो यहाँ से थ्रॉटल लेता हूँ और चलता हूँ आगे।
थोड़ा सा आगे चलते चलते EMU की हल्की सी पैरेलल रेस होती है और साइड में मुझे एक ICF ट्रेन दिखती है जो कि वेट कर रही होती है, शायद यार्ड में होती है और उसको चेन्नई जाना होता है। तो उस ट्रेन का नंबर होता है 22601 MGR चेन्नई सेंट्रल साई नगर शिरडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि अपने सिग्नल का वेट कर रही होती है। मुझे पहले लगता है कि हम दोनों साथ में एंट्री करेंगे, लेकिन नहीं, उसको पहले सिग्नल मिलता है और हमको यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है अपने सिग्नल का। देखो गाइस, इसलिए मुझे लगता है क्योंकि हम दोनों साथ साथ आ जाते हैं एकदम ICF 10 और मेरी ट्रेन, लेकिन फिर मुझे दिखता है कि आगे तो रेड लाइट है मेरे लिए, तो भाई मेरे को अपना ट्रेन को रोकना पड़ता है और फिर मुझे पता चलता है कि नहीं, पहले शिरडी साई जाएगी, साई शिरडी एक्सप्रेस जाएगी, उसके बाद ही मेरी ट्रेन जाएगी। तो भाई मुझे अनफॉर्चुनेटली रोकना पड़ता है चेन्नई के आउटर पे और इंतज़ार करना पड़ता है अपने सिग्नल का। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो, उस ट्रेन को मिल चुका है सिग्नल और वो वहाँ से निकल चुकी है चेन्नई की तरफ और मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं गाइस, उसको जाते हुए ही देख लेते हैं, क्या कर सकते हैं भाई। तो भाई साई शिरडी तो जा ही रही होती है, लेकिन आगे से हमको क्रॉस कर रही होती है मैसूर स्पेशल फेयर। तो भाई मैं उसका एंगल लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एंगल मैं ले नहीं पाता, लेकिन जितनी ट्रेन दिखती है मैं उतना तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से एंगल ले रहा होता हूँ और इतने में ट्रेन गुजर जाती है। तो ये रहा गाइस टॉप व्यू, मैसूर स्पेशल जा रही है मैसूर की तरफ और वो रही साई शिरडी जो जा रही है चेन्नई के प्लेटफॉर्म में, और इतने में ही हमको मिल जाता है सिग्नल और मेरी ट्रेन का भी यहाँ से हो जाता है डिपार्ट करने का टाइम, मतलब डिपार्ट तो नहीं, यहाँ से निकलने का टाइम और अराइव करने का टाइम चेन्नई में। तो भाई लोग, अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया ना भाई और इन्जॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम लोगों को 5K जाना है और 5K से 10K, और लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से शेयर करना, क्योंकि अगर यहाँ तक इन्जॉय कर लिया है तो भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे। लव यू गाइस, और आगे की जर्नी को अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और अपने ट्रेन को चेन्नई के प्लेटफॉर्म पर पहुँचाते हैं। भाई मैं अब ज़्यादा कमेंट्री तो करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि भाई जो अराइवल का ट्रैक साउंड होता है ना भाई, उसी को ही आपको मज़ा आ जाएगा एंजॉय करने में और देखने में विजुअल्स को, कि इतनी सारी ट्रेन्स खड़ी होती हैं। तो गाइस मैं अब यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको एंजॉय कर सको, मैं आपको आखिरी में आपसे बात करता हूँ, तो तब तक आप इंजॉय करो इस अराइवल को और मज़े करो।
फाइनली गाइस, ये बहुत लंबी वीडियो है मेरे चैनल पे, कम से कम ये 55-56 मिनट की है। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे हमारी जर्नी ख़त्म होती है अरनाकुलम से चेन्नई की। तो गाइस बहुत मेहनत लगी है ये वाली वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। और अगर कोई भी दूसरी ट्रेन की आपको जर्नी चाहिए तो प्लीज़ सब कमेंट में बताना कि आपको कौन सी जर्नी को देखना है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, अडियोस अमिगोस एंड लव यू। और हाँ गाइस, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसको एंड तक देखो, मज़ा आएगा।